भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवबंद फडणवीस ने इल्ज़ाम लगाया कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी लीडर और उद्धव ठाकरे की क़यादत वाली महाराष्ट्र विकास अघाड़ी MVA हुकूमत में अक़लियती उमूर के वजीर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ है और वो 1993 के मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के एक मुजरिम के साथ ज़मीन के सौदे में शामिल थे। फडणवीस ने कहा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, मैंने कहा था कि मैं दिवाली के बाद कुछ जाहिर करूंगा, कागजात और सबूत हासिल करने में कुछ वक्त लगा, मैं सलीम जावेद के स्क्रिप्ट नहीं बना पाया और ये फिल्म का उन्होंने इल्ज़ाम इंटरवल नहीं है लगाया कि मिस्टर मुल्क की डी कंपनी से ताल्लुक़ है और वो मुंबई हमलों में मुलविस अफराद के साथ काम कर रहे। उन्होंने दावा किया कि मिस्टर मलिक ने मुंबई धमाके के मुजरिम से 2.80 एकड़ बाजार की कीमत से कम कीमत पर खरीदी। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये सौदा डाटा एक्ट के तहत कीमती अराजी को जब्ती से बचाने के लिए था।